वीडियो में किया है हमने अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन 91 स्नो लेपर्ड का। आगे की कुछ वीडियोस में मैं आपको अपना राइड एक्सपीरियंस और इसका डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 91 स्नो लेपर्ड का राइड एक्सपीरियंस और बात करेंगे इसके फीचर्स की, देखेंगे इसके डिटेल स्पेसिफिकेशंस और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किन बायर्स के लिए ये साइकिल अच्छी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेटेस्ट साइकिलिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं 91 स्नो लेपर्ड की डिटेल्स को। सबसे पहले देखते हैं इस साइकिल का ओवरऑल डिजाइन और फ्रेम। स्नो लेपर्ड 91 साइकिल्स की बिग कैट सीरीज की बाइक है। इस बाइक के ब्लैक मैट फिनिश फ्रेम पे ये ब्लू ग्राफिक्स बहुत ही कूल लग रहा है। ओवरऑल इस साइकिल के लुक्स एंड डिज़ाइन मुझे काफ़ी वाइब्रेंट और अट्रैक्टिव लगे। दोस्तों, ये बाइक यहाँ पे मिलती है आपको 18.5 इंच के फ्रेम के साथ और ये फ्रेम बना है 6061 एलॉय मटेरियल का। एलॉय होने के कारण इस साइकिल का वेट काफ़ी कम हो जाता है और ओवरऑल इस साइकिल का वेट 15.4 केजी है। इसके टॉप ट्यूब का ये स्लांट डिज़ाइन इस साइकिल को लो फ्रेम बाइक बना देता है। इसके फ्रेम के डिज़ाइन के कारण राइड के दौरान आपको अच्छा एर्गोनॉमिक पोजीशन मिलती है। फ्रेम और हैंडल बार के डिज़ाइन के कारण राइड के दौरान मुझे काफ़ी अपराइट एंड कंफर्टेबल पोजीशन मिली। गाइस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस साइकिल के सस्पेंशन को। दोस्तों, फ्रंट में आपको मिलता है मैकेनिकल कॉइल स्प्रिंग टाइप के जूम के फॉक सस्पेंशन। इसमें मिलती है आपको 80mm की ट्रेवल लेंथ। 91 स्नो लेपर्ड में मिलता है आपको सस्पेंशन लॉकआउट, जिसे राइड के दौरान आप इजीली लॉक और अनलॉक कर सकते हैं और ऊपर से ही आपको ये कलर चेंजिंग से पता चल जाएगा कि आपकी बाइक लॉक है या अनलॉक। यहाँ पे आपको प्रीलोड एडजस्टर्स भी आते हैं जिसे आप राइडर की वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। राइड के दौरान बैड पैचेस में मुझे इस सस्पेंशन की परफॉर्मेंस डिसेंट लगी। गाइस, अब बात करते हैं इसके हैंडल बार और ब्रेक्स की। 91 की इस स्नो लेपर्ड में मिलता है आपको एलॉय के MTB हैंडल बार्स। अब बात करते हैं इसके स्टेम्स की, तो यहाँ पे आपको निको के थ्रेडलेस एलॉय स्टेम मिलते हैं। इन हाई स्टेम्स के कारण आपको अपराइट पोजीशन मिलती है और राइड के दौरान ये वाइड हैंडल बार्स आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस साइकिल के ब्रेकिंग डिपार्टमेंट की। यहाँ पे आपको प्रीमियम एलॉय के ब्रेक लीवर्स मिलते हैं। ये ब्रेक लीवर्स 2 फिंगर ईजी पुल ऑपरेशन के साथ मिलते हैं। 91 स्नो लेपर्ड में आपको फ्रंट में और रियर में जैक 7 के मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। ये दोनों डिस्क ब्रेक्स 160mm रोटर ब्लेड के साथ आते हैं। गाइस, अब देखते हैं इस साइकिल के गियर और ड्राइव ट्रेन को। स्नो लेपर्ड में आपको मिलता है रियर में शिमानो असेरा के 7-स्पीड गियर सेट। इस रेंज की साइकिल्स में नॉर्मली आपको टॉर्नी या अल्टस ही मिलता है, इस साइकिल में आपको असेरा मिलता है। फ्रंट में आपको मिलते हैं शिमानो टॉर्नी के 3-स्पीड डीरेलर्स। इस 21-स्पीड बाइक में आपको शिफ्टिंग के लिए मिलते हैं शिमानो के इजी फायर शिफ्टर्स। राइड के दौरान मुझे इसके फ्रंट और रियर डीरेलर्स की शिफ्टिंग काफी स्मूथ लगी। गाइस, अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो कि है व्हील्स एंड टायर्स। इस साइकिल में आपको मिलते हैं डबल होल अलॉय रिम्स। इन अलॉय रिम्स की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और अप टू 95-100 केजी के राइडर्स इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, स्नो लेपर्ड में मिलते हैं आपको 27.5x2.2 इंच के टायर्स। इन टायर्स के ये साइड लग्स और मेन लग्स आपको राइड के दौरान अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। राइड के दौरान वेट रूट्स पे मुझे इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी लगी और इन टायर्स का रोलिंग रेजिस्टेंस भी मुझे काफ़ी कम लगा और राइड के दौरान मुझे अच्छी रोलिंग मिली। दोस्तों, आप देखते हैं इस साइकिल के सीट पोस्ट को और क्विक रिलीज फीचर को। स्नो लेपर्ड में आपको मिलता है एर्गोनॉमिक डिज़ाइन के सैडल्स। ये सैडल्स आपको लॉन्ग राइड में काफ़ी कम्फर्टेबल पोजिशन प्रोवाइड करते हैं। सीट हाइट एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको मिलता है क्विक रिलीज फीचर और इन एलॉय के सीट पोस्ट में आपको मिलती है लेंथ की मार्किंग। नॉर्मली ये मार्किंग आपको अदर बाइक्स में नहीं मिलेगी। इसकी हेल्प से आप बड़ी आसानी से राइडर की हाइट के हिसाब से सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं।
दोस्तों इसके फ्रंट टायर्स में आपको मिलता है क्विक रिलीज फीचर, जिसे आप राइड के दौरान साइकिल के पंचर हो जाने पर ट्यूब बदलने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए टायर रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ और बात करते हैं प्राइस एंड फाइनल वर्डिक्ट की। फ्रेंड्स आपको ये साइकिल ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स में 27,299 की मिल जाएगी। अगर आप देख रहे हैं एक MTV फ्लैट ट्रेल्स के लिए और राइड करना चाहते हैं आप सिटी रोड्स अलॉन्ग विथ नॉर्मल ऑफ रोड और आपका बजट अंडर 30,000 है तो ये साइकिल आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। फ्रेंड्स आप outdoor91.com पे जाके इस साइकिल की डिटेल्स और अदर 91 बाइसिकल्स की डिटेल्स भी देख सकते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए आप 91 के यूट्यूब चैनल को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये साइकिल कैसी लगी। फ्रेंड्स स्टे सेफ, कीप पेडलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।